Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question classification of business activities. मतलब business को कैसे classify किया जाता है या categorize किया जाता है. तो basically business जो है वो दो parts में divide होता है. एक होता है industry और दूसरा होता है commerce. और commerce को again हम लोग दो parts में divide कर सकते हैं. एक होता है trade और दूसरा होता है auxiliary to trade. So इस question को मैंने तीन videos में divide किया है basically. पहला है industry क्या होता है और उसके अलग अलग types. दूसरे में कॉमर्स क्या होता है और ट्रेड क्या होता है और ट्रेड के अलग अलग टाइप्स. और तीसरे वीडियो के अंदर ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है और कौन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड है उसके बारे में. सो ये हमारा पहला वीडियो है जिसके अंदर इंडस्ट्री क्या होता है और इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होता है. नो, इंडस्ट्री वो बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स होता है. नो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है. सो इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर यू प्रोड्यूस द गुड्स, वेयर यू मैन्युफैक्चर द गुड्स, जहाँ पे चीज़ों को बनाने का काम अंडरटेक किया जाता है. ओके, और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ों का फॉर्म चेंज किया जाता है, गुड्स का फॉर्म चेंज किया जाता है. ना, फॉर्म का मतलब क्या होता है, आकार चेंज किया जाता है. ओके, जैसे कि सपोज वुड है, मतलब लकड़ी है, तो लकड़ी का शेप चेंज करके आप क्या करते हो, उससे फर्नीचर बनाते हो. जैसे ना कॉटन है, तो कॉटन का आप शेप चेंज करके क्या करते हो, उससे कपड़ा बनाते हो. सो यहाँ पे हमने क्या किया है, चीज़ों का या गुड्स का ये फॉर्म जो हो चेंज किया हुआ है और हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया. ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मतलब क्या, जैसे लकड़ा जो है, लकड़ा हम लोग को कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर में से. ये सुनो, प्लांट से हमको, ट्रीज से वगैरह हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बना रहे. सो वो जो रॉ मटेरियल हम लोग को एग्रीकल्चर ने प्रोवाइड किया था, उसको उससे हमने क्या किया, फर्नीचर बनाया. सो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया. ओके, लकड़ा रॉ मटेरियल है और फर्नीचर फिनिश गुड्स है. वही हमको कॉटन मिला यहाँ से, एग्रीकल्चर से. वो कॉटन से हमने क्या किया, कपड़ा बनाया. सो कॉटन आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, और उससे आपने क्या किया, यहाँ पे कपड़ा बनाया. सो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, जो गुड्स है उसका फॉर्म चेंज करते हो और उससे आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो. तो ये सब चीजें जो होती है वो इंडस्ट्री के अंदर आती है. एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि वीविंग होता है वुलन का, वीविंग मतलब बुनना, और उसका वीविंग करके क्या किया जाता है, क्लोथ बनाया जाता है. सो ये इंडस्ट्री हो गई. और इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है. फॉर्म यूटिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जहाँ पे चीज़ों का शेप चेंज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है. ओके, सो आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं कि इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स. प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे गुड्स को बनाया जाता है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों के शेप चेंज करते हैं और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. अभी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग काम होते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि तीन टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं. एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा है टर्शरी इंडस्ट्री. इसको अगेन फर्दर डिवाइड किया गया है, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है. नाउ प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो नेचर से कंसर्न होती है, मतलब नेचर से रिलेटेड होती है. मतलब यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, बट वो चीज़ें नेचर की हेल्प लेके बनाई जाती है. इसके लिए ये इंडस्ट्री को नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री बोला जाता है. मतलब नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या गुड्स को बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं. और ये इंडस्ट्री जो होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. वो कैसे, हम लोग जब सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ेंगे तभी आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा. सिर्फ आपको अभी यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को इनपुट या रॉ मटेरियल सप्लाई करता है या प्रोवाइड करता है. ना, प्राइमरी इंडस्ट्री अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. अभी ये तीनों इंडस्ट्री किस तरीके से नेचर का हेल्प लेके चीज़ों को बनाती है वो अभी हम लोग देखेंगे. सबसे पहले एग्रीकल्चर. ना, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, जहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी होती है, जहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है. ओके, नाउ एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं. जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग को ज़मीन की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है जो हमको नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. हम लोग को वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, जो हमको रेनफॉल के द्वारा दिया जाता है, वो भी क्या है, नेचुरल है. और क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब क्या, एटमॉस्फेयर. ओके, प्रॉपर मॉनसून क्लाइमेट होना चाहिए, तब जाके एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है. मतलब प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्टिविटी. सो ये तीन जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं जिनका हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं. ओके, और इसके लिए एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री. यहाँ पे हम लोग नेचर की हेल्प ले रहे हैं. दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. नाउ एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है बाहर निकालना.
तो जहां पे हम लोग किसी भी नेचुरल चीज से दूसरे चीज को बाहर निकालते हैं या किसी भी नेचुरल रिसोर्सेस में से हम लोग दूसरे चीजों को बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोग ये फोटो भी देख पा रहे हो, ये माइन है। माइन मतलब खान जो होती है, वो खान में हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं और वहां से जमीन के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल को और ऑयल को बाहर निकालते हैं। सो ये जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, खान वगैरह जो ये करके डिगिंग करके वहां से ऑयल और मिनरल बाहर निकाला जा रहा है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फिर बाद में फिशिंग है, तो फिशिंग में हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर से हम लोग फिशिंग फिश को कैच करते हैं या पकड़ते हैं या फिश को हम लोग बाहर निकालते हैं। सो फिशिंग भी क्या हो जाता है आपका, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो ये जो माइन है ये आपका नेचुरल रिसोर्स है, वाटर आपका नेचुरल रिसोर्स है, इसमें से हम लोग क्या करें, दूसरे रिसोर्सेस को बाहर निकाल रहे। जैसे मैंने आपको बोला माइन में से मिनरल और ऑयल बाहर निकाला जाता है। मिनरल का मतलब क्या होता है कि स्टील, आयरन, ये सुनो, ये सब चीजें जो होती है हम लोग जमीन में से बाहर, सारे मेटल वगैरह हम लोग जमीन में से बाहर निकालते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में से फिश को बाहर निकाल रहे हैं। सो दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से या किसी नेचुरल चीज से हम लोग दूसरी चीजों को बाहर निकालते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और ये उसके एग्जांपल्स। थर्ड वाला है जेनेटिक इंडस्ट्री। नाउ जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, प्लांट्स का और एनिमल का रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन होता है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट और एनिमल्स का रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन करना। जैसे आप लोग देखते हो कि एनिमल हस्बेंड्री होती है, नाउ एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पशुपालन, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका पालन किया जाता है और वहां पे उनका क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। मतलब सपोज आपके पास एक गाय है तो उससे दूसरी गाय जो होती है वो रिप्रोड्यूस किया जाता है, ओके, फिर तीसरी गाय, इस तरीके से आपका जो गाय का प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाता है, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ओके। फिर बाद में आपके पास सपोज ये शिप वगैरह है, मतलब बकरी वगैरह है, तो बकरी से भी हम लोग क्या करते हैं, उनको ये एक बकरी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बकरी का रिप्रोडक्शन करते हैं। सो इसके हिसाब से वो मल्टीप्लीकेशन होते जाता है एनिमल्स का, ओके। प्लांट नर्सरी होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि एक प्लांट होता है, फिर उसके हम बीच से हम लोग दूसरे प्लांट बनाते हैं, फिर तीसरा प्लांट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल प्लांट्स बनाते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट और मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है। देन पोल्ट्री फार्म, नाउ पोल्ट्री फार्म मतलब क्या होता है, जो मुर्गी के अंडे होते हैं, तो मुर्गी के अंडे से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मुर्गी का रिप्रोडक्शन करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो जीव होता है, जीन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो जीव होता है उसका रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये जीव कौन से है, प्लांट और एनिमल्स के, तो उसके लिए उसको जेनेटिक इंडस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर की हेल्प ले रहे हैं। इसके लिए जेनेटिक इंडस्ट्री को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सो हम लोग ने प्राइमरी इंडस्ट्री देखा, जो नेचर का हेल्प लेता है और जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर, दूसरा एक्सट्रैक्टिव और तीसरा जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में देखा। अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, इनपुट प्रोवाइड करती है या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो आपको रॉ मटेरियल मिला उसको आगे आप प्रोसेसिंग करते हो। मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टील है एक्चुअली। अब स्टील जब जमीन में से निकलता है तो वह ऐसा दिखता है, फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर बाद में आप लोग देखते हो कि ऐसा शाइनिंग वाला स्टील हम लोग को दिखाई देता है। फिर उसको हम लोग शेप देके बर्तन, फर्नीचर या दूसरी जो भी चीजें हमको बनानी होती है वो बनाते हैं। सो ये कोल जो ये जो स्टील है वो हमको कहाँ से मिला, प्राइमरी इंडस्ट्री से। ये मटेरियल को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स बना रहे हैं। मतलब ऐसे वो जो स्टील है उसको प्यूरिफाई करके उसको शेप देके उसमें से बर्तन, यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें से फर्नीचर बनाए जाते हैं या उसमें से हम लोग कोई भी टूल्स वगैरह चाहिए वो बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सो जहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री के मटेरियल को यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइनल गुड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जमीन में से हम लोग ने आयरन ओर या फिर स्टील के ओर, ओर का मतलब होता है कच्चा फॉर्म, वो निकाला और फिर बाद में उसको हम लोग ने आगे प्रोसेसिंग करके उससे हम लोग ने दूसरी चीजें बनाई। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर भी दो इंडस्ट्री होती है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख रहे हो कि ये टिम्बर है। टिम्बर मतलब क्या, लकड़ा है। लकड़े से हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, ओके। सो रॉ मटेरियल से जहाँ पे फिनिश गुड्स बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इवन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये कॉटन है, ये कॉटन से मैंने क्या किया, कपड़ा बनाया,
सो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स आपने कन्वर्ट किया, सो दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं शुगर केन जो होता है गन्ना, गन्ने से हम लोग शुगर बनाते हैं, सो गन्ना क्या है आपका रॉ मटेरियल है और जिससे आपने क्या किया शुगर बनाया फिनिश गुड्स। सो जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, और ये अलग अलग एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो ना। दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है वहाँ पे अलग अलग चीज़ों का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, डैम्स वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, टनल्स जो होते हैं वो टनल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, देन कैनल नाला जो होता है वो बनाया जाता है, ओके, मेट्रो वगैरह बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आप लोगों को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल की जरूरत होती है, मतलब इंजीनियर और आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, ये सब कंस्ट्रक्शन करना, उनको सब बराबर पता होता है कि कैसे वो चीज़ों को हम लोग को बनाना है, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो उसके कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज बनाना है तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, दे नो वेरी वेल। सो ये इंडस्ट्री के लिए आपको इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल की जरूरत पड़ती है, ओके। तो ये आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो जाती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में हम लोग ने देखा। तीसरा है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। नाउ टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस सेक्टर, टर्शियरी मतलब हमेशा याद रखना कि जो सर्विस सेक्टर होता है, और बेसिकली ये जो सर्विस सेक्टर होता है या टर्शियरी इंडस्ट्री होती है वो आपके प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। नाउ टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, देखो टर्शियरी इंडस्ट्री में बैंक आता है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी इंडस्ट्री में आते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे ये बिजनेस को कैसे हेल्प करते हैं, तो सपोज आपको एग्रीकल्चर करना है या आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस कहाँ से आता है, बैंक से, ओके। आपको अगर सपोज आपने एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ बनाया, ओके, या आपने ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर जमीन में से बाहर निकाली उसको आप लोग दूसरे जगह पे लेके जाना चाहते हो, या सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपने सपोज कोई फर्नीचर वगैरह बनाया, फर्नीचर को आपको दूसरी जगह पे लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट आपको उसमें हेल्प करता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या करता है, आपके जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करता है, हाँ, तो आप आपके एग्रीकल्चर के लिए या फिर आप आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसके गुड्स को आप गोडाउन में रखते हो तो गोडाउन के लिए वगैरह आप इंश्योरेंस ले सकते हो ताकि अगर गुड्स को कुछ भी हो गया तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा। देन कम्युनिकेशन, आपको अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको गुड्स बेचने हैं उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मतलब क्या, जहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, आपका मैसेज किसी के पास पहुँचाना चाहते हो, ओके, या किसी का मैसेज आप रिसीव करना चाहते हो, दैट इज कम्युनिकेशन। सो टेलीफोन या आपका फैक्स मशीन, SMS, इंटरनेट, ईमेल, ये सबसे आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज ऑल्सो टर्शियरी इंडस्ट्री। और वेयर हाउसिंग मतलब जो भी चीज़ें आप लोग बनाते हैं उसको स्टोर करने का जो जगह होता है उसको वेयर हाउस बोला जाता है। सो ये सारे सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री, ओके। सो ये सारे जन जो है वो क्या करते हैं, आपके बिजनेस को मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस्ट्री, दीज आर माई URL जहाँ से मैंने सारे मेरे इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।